तो आज की ये वीडियो उन सभी मम्मियों के लिए होने वाली है जिनकी सीजरियन डिलीवरी हुई है मेरी ही तरह। अब देखिए, हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, पहली बार जब हम माँ बनते हैं, उसकी खुशी ही अलग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात का दुख जरूर रहता है कि हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऑपरेशन के बाद, बेली फैट ज्यादा हो जाता है, ओवरऑल बॉडी में भी फैट कई बार बढ़ जाता है। तो हम ये सोचकर कई बार परेशान होते रहते हैं कि इतना वजन बढ़ गया है, बेली फैट इतना ज्यादा हो गया है, तो इसको कैसे कम करें, एक्सरसाइज कौन सी हमें करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं और ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 एक्सरसाइज को रेगुलर किया था जिससे मेरा बेली फैट कम हुआ और मेरी ओवरऑल बॉडी में भी बहुत ज्यादा फैट था तो वो भी साथ ही साथ कम हुआ था। तो अगर आप भी 3 एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो मेरी ही तरह आप भी अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं और एकदम स्लिम ट्रिम फिगर बना सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऑपरेशन के कितने टाइम बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 6 मंथ का टाइम जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर भी हमें ये सलाह देते हैं कि ऑपरेशन से जब बच्चा होता है तो उसको हील होने में कम से कम 6 मंथ का टाइम लगता है। तो जख्म क्योंकि गहरा होता है तो आप भी 6 महीने का टाइम जरूर लें और उसके बाद ही कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। कई बार हमारे मन में ये भी डाउट होता है कि ज्यादा टाइम निकल जाएगा तो पता नहीं ये पेट कभी कम होगा भी या नहीं, बट ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ऑपरेशन के 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं, अपनी बेली फैट को कम कर सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो 6 महीने के बाद ये 3 एक्सरसाइज से आप शुरुआत कीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग में पहले आपको कुछ वार्म अप बताऊंगी जिसको आपको कर लेना है, उसके बाद ही ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप इसको 2 हफ्ते तक फॉलो करते हैं, साथ में हेल्दी एंड क्लीन डाइट लेते हैं, तो गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ कि आपके बेली से 2 इंच तक कम हो जाएगा। और अगर आपका बेली फैट बहुत ज्यादा है तो आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर करते रहिए, बहुत जल्दी आपका टमी एकदम फ्लैट हो जाएगा। मेरी सिजेरियन डिलीवरी के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन लोगों की सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है, वो लोग अगर डरते हैं कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में क्लियर की हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपका ऑपरेशन का डर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आज की एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस कोच। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे, तो इस तरह से दोनों हाथ को सामने रखना है और लेफ्ट टू राइट अपनी बॉडी को मूव कीजिए। काउंट करके इसको आप 20 टाइम्स करेंगे। इससे आपके कमर के जो पास चर्बी होती है बैक के साइड में, वो कम होता है। सेकेंड वार्म अप में इस तरह से आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। काउंट करके इसको भी 20 टाइम्स कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए 20 टाइम्स। इससे आपके आर्म और अपर बॉडी के मसल्स ओपन अप हो जाएंगे, बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा और आपकी मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे मेन एक्सरसाइज के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब थर्ड, इस तरह से आपको अपनी बैक को स्ट्रेच करना है और फिर सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। साइड से दिखा देती हूँ एक बारी। पैरों का डिस्टेंस शोल्डर के बराबर होगा और अब अपनी बैक को स्ट्रेच करें, जितना पीछे झुक सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से उतना पीछे झुकने की कोशिश कीजिए और फिर सामने भी जितना आप आगे अपनी बॉडी को झुका सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फॉलो कीजिए। इस तरह से बैक स्ट्रेच एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। इससे आपकी पूरी बॉडी के मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। बट जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है उन लोगों को इस तरह से आगे की तरफ नहीं झुकना है और पीछे भी अपने कंफर्ट के हिसाब से झुकिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेच ना कीजिए अगर आपको बैक में पेन रहता है तो, और फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है जिन लोगों के बैक पेन का इश्यूज़ है। अब नेक्स्ट वार्म अप है हमारा इस तरह से हिप रोटेशन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 टाइम्स अपने हिप्स को रोटेट कीजिए और फिर 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड में करके दिखा रही हूँ और कितने रेपिटेशन लगाने हैं बता दिया है मैंने। तो उस तरह से आप काउंटिंग करके वार्म अप कंप्लीट कर लीजिए और बस हमारा वार्म अप हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए अब चलते हैं मेन एक्सरसाइज पर जो हम मैट पर लेट कर करेंगे। तो पहली मेन एक्सरसाइज जो हम अपने पेट को कम करने के लिए करेंगे, तो इस तरह से पोजीशन ले लीजिए। पैर को आपको ऊपर उठाना है इस तरह, चेस्ट के लेवल पर लाइए और फिर बाहर की तरफ खोलिए। नी इन एंड आउट, इन एंड आउट, इसको आपको फास्ट करना है। मेक श्योर कि जब आप एफर्ट लगा रहे हैं यानी सामने की तरफ आ रहे हैं तो सांस छोड़िए, जब रिलैक्स पोजीशन में जा रहे हैं पीछे तो सांस लेना है, ठीक है। तो ब्रीद इन अच्छे से कीजिए, इन कर रहे हैं तो सांस छोड़ना है, आउट
तो फिर सांस लेना है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बेस्ट एक्सरसाइज है, बेली फैट को कम भी करेगा, साथ ही साथ आपके कोर यानी बेली के मसल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा। और आपके अगर बैक पेन में इशू रहता है तो वो भी इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से ठीक हो जाएगा। 25 रेपिटेशन और 3 सेट कीजिए। अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस तरह से आपको पोजीशन ले लेना है, दोनों पैर को उठाइए और इस तरह से जैसे हम साइकिल चलाते हैं बिल्कुल इस तरह से लेटकर आपको अपने पैर को चलाना है। तो जो लोग बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो स्लोली स्लोली करेंगे। इस तरह से एक पैर को उठाया, फिर दूसरे पैर को उठाया, फिर राइट लेग उठाया, फिर से लेफ्ट लेग को उठाया। इसी तरह से फॉलो कीजिए, आपका थाई हिप फैट भी कम होगा और आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा। जो लोग आसानी से कर पा रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, तो वो इस तरह से फास्ट करेंगे। तो पहले आप धीरे धीरे कीजिए, जब कंफर्टेबल आप हो जाएं इस एक्सरसाइज के साथ तब आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है और इस तरह से आपको साइकिलिंग करनी है। काउंट करके इसके आप 30 रेपिटेशन कीजिए, दोनों ही पैर से 15-15 टाइम्स करना है, यानी 30 रेपिटेशन और फिर 15-20 सेकेंड का रेस्ट लेके वापस से कीजिए, फिर से रेस्ट लेके एक बार और कीजिए, यानी 3 सेट लगाना है इन तीनों ही एक्सरसाइज के। अब आइए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, थर्ड एक्सरसाइज। तो लेट कर यहाँ आप 15-20 सेकेंड का रेस्ट ले लीजिए ताकि आपके बेली के मसल्स रिलैक्स हो जाएं। और अब आपको वापस से लास्ट एक्सरसाइज करना है, तो दोनों हाथ को सर के पीछे रखेंगे। इस तरह से आपको पैर को उठा लेना है, फिर राइट एल्बो से लेफ्ट नी टच किया, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच किया, इस तरह से, और थोड़ा स्पीड में कीजिए। इस एक्सरसाइज का नाम है एब्स साइकिल। इससे पूरा प्रेशर आपके बेली के मसल्स पे आता है, आपका बेली फैट बहुत ही तेज़ी से कम होने लगेगा। तो इसको भी काउंट करके 30 टाइम्स कीजिए, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसके आप 30 रेपिटेशन कर लीजिए तीनों ही एक्सरसाइज के, और 3 सेट ज़रूर लगाइएगा। हर एक एक्सरसाइज के बीच में 15-20 सेकेंड का रेस्ट लें। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को कूल डाउन जरूर करेंगे, जिसके लिए आपको करना है स्टार स्ट्रेच। तो राइट लेग को उठाया, लेफ्ट साइड लेकर आएं, बाकी बॉडी आपके अपोजिट साइड में होगी। अपोजिट साइड में आपको देखना है, होल्ड करना है इस पोजीशन में, 10 तक काउंट कीजिए, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, मन में ही काउंट करते रहिए धीरे धीरे। और जब 10 काउंट कंप्लीट हो जाए तो वापस से आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। सेम अब हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट लेग को उठाया, राइट साइड लेकर जाएं, और आपकी बाकी जो बॉडी है वो अपोजिट साइड होगी। तो आपको इस तरह से देखना है, इस पोजीशन में 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी है, हरे भी आप एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद स्टार स्ट्रेच ज़रूर करें। तो बस एक बार आपको इसको फॉलो कर लेना है, जिससे आपके बेली के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और एक्सरसाइज के बाद मसल्स पेन भी कम होगा। सेकेंड इज चाइल्ड पोज, यानी बालासन। तो इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है, वापस से 10 काउंट करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में, और एक बार और कर लेते हैं। तो इस तरह से पीछे जाइए, फॉरहेड को फ्लोर से लगा दीजिए और इस पोजीशन में होल्ड कीजिए, बहुत ही आराम मिलेगा आपको। तो ये एक्सरसाइज है जिसको अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका बेली फैट चला जाएगा। साथ में अपनी डाइट ज़रूर हेल्दी रखिएगा, क्लीन खाइएगा, और इन सभी एक्सरसाइज को कम से कम 2 हफ्ते ज़रूर फॉलो कीजिएगा अच्छे रिजल्ट के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए। और अगर आपकी ओवरऑल बॉडी में भी कहीं फैट है तो वो भी कम हो जाएगा अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।